खबर हनुमानगढ़ के भादरा से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। किसान की पीड़ा को वो ही समझ सकता है जिसका गरीबी से नाता रहा हो। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि सत्ता में आते ही SIT गठित करेंगे और पेपर लीक करने वाले किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। हमने अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तो वो थे जो नकल करके या पेपर का जुगाड़ करके पास हुए। अभी शोरूम वाले दूर हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। हम उनमें से एक को भी छोड़ने वाले नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 4 महीने होने वाले हैं। हम जो घोषणा पत्र लाए थे उसमें से 45% काम हमने 90 दिन में ही कर दिए हैं। हनुमानगढ़ से राजरतन पारेख की रिपोर्ट। 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारे घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है, 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, और यही नहीं गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं।